हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसी के बारे में, जो महाराष्ट्र में अभी राजनीति पर जो बवाल चल रहा था उसी से संबंधित ये आर्टिकल है हमारा। तो सबसे पहले मुंबई के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए मुंबई का नक्शा देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा इंडिया, देख रहा है, ठीक है। ये है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र। ये मुंबई राजधानी महाराष्ट्र की, ठीक। आपको बता दें मुंबई के बारे में कुछ, तो मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसमें 36 जिले हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक। और आपको यहाँ बता दें यहाँ के राज्यपाल हैं अभी करंट में भगत सिंह के कोश्यारी। और यहाँ विधान परिषद की सीटें हैं 78, विधानसभा की हैं 288 और राज्यसभा की हैं 19 और लोकसभा की हैं 48, ठीक है। चलिए अब यहाँ के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बस जैसे बता दूं कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा चुनाव की, विधानसभा की। उसमें आपको बता दें शुरू से ही कि 105 मिली है बीजेपी को और 56 शिवसेना, एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 और एमएनएस को एक और अन्य दलों को मिली है 28, ठीक। तो यहाँ बहुमत के लिए चाहिए थी 145 सीट, लेकिन जो पहले से इनका गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना का, इसे पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम पद को, मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों में सहमति नहीं बन पाई। तो 12 नवंबर के पहले पहले सबसे पहले राज्यपाल ने बीजेपी को मौका दिया। तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे तब के, देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत ना होने के कारण मना कर दिया। फिर दूसरे नंबर पे जो शिवसेना थी तो उसे दिया गया 1 दिन का टाइम, लेकिन वो भी नहीं जुटा पाई। उसके भी बाद एनसीपी को 1 दिन का टाइम। जब किसी ने सरकार नहीं बनाई तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन 12 नवंबर को लगा दिया गया महाराष्ट्र में, ठीक। उसके बाद खबर आई जो भी चर्चा रही हो कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी। तो 22 नवंबर को ये सब घोषणा हुई कि उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे। लेकिन 23 नवंबर को सुबह 5 साढ़े 5 बजे, 5:30 पर महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और देवेंद्र जो पूर्व सीएम थे, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जबकि एनसीपी के अजीत पवार, याद रखिए अजीत पवार भतीजे हैं शरद पवार के, इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। काफी लंबे विचार विमर्श के बाद एनसीपी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का निर्णय लिया है महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पृष्ठभूमि भी बात कर लेते, वैसे भी हम लोग देख चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिली थी 105 सीटें। भारत के जो सहयोगी दल पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है उसे 56 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की सरकार बनने के आसार थे क्योंकि दोनों को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था, परंतु मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों की सहमति नहीं बन पाई। चुनाव में एनसीपी को 54 सीटें प्राप्त हुई जबकि कांग्रेस को 44 सीटें प्राप्त हुई और एमएनएस को 1 सीट प्राप्त हुई और अन्य दलों को 28 सीटें प्राप्त हुई। बता दें एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार और जबकि कांग्रेस कांग्रेस है सोनिया गांधी जी की और एमएनएस जो पार्टी है ये राज ठाकरे की है, ठीक है। महाराष्ट्र में कुल सीटें देख ही ली, 288 हैं, इसमें 234 सीटें सामान्य वर्ग की, 29 सीटें हैं अनुसूचित जाति की और 25 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की। आपको यहाँ बता दें कि पहली बार शिवसेना से कोई परिवार का कोई मेंबर चुनाव लड़ा है, आदित्य ठाकरे। तो जो उद्धव ठाकरे हैं इसके प्रमुख शिवसेना के, वो चाहते थे कि उनके बेटे को विधान सीएम बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए।
लेकिन बीजेपी कुछ और होगा जो भी रहा हो। तो चलिए, तो ये था महाराष्ट्र की कहानी, तो याद रखिए। और आपको बता दें, शरद पवार की भतीजे हैं अजीत पवार, ठीक, जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और सुप्रिया सूले हैं जो उनकी बेटी हैं शरद पवार की, ठीक। 23 नवंबर को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, और ये राष्ट्रपति शासन 3 अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया था। बीजेपी को अब टाइम मिला हुआ है 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने का, तो मुझे लगता है जहां तक कि ये आराम से बहुमत जुटा लेंगे। चलिए, तो इसे यहीं रोकते हैं।